नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वंदना। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में, ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में और इससे रिलेटेड कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करूंगी। तो यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दें। जो हमारी बॉडी में जो हड्डियां होती हैं, जो हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो 206 बोन से मिलकर बना हुआ है। जो हमारी बोन बोन होती है वो कैल्शियम से स्ट्रांग बनी रहती है। 30 साल के बाद हमारे शरीर में कैल्शियम की डिफिशियंसी होने लगती है, कमी होने लगती है। ये मेल्स में भी देखने मिलता है, फीमेल्स में भी देखने मिलता है, पर मेल की अपेक्षा 90% महिलाओं में ये ज्यादा देखने मिलता है। बिकॉज ऑफ 45 साल के बाद जो महिलाओं में मीनोपॉज की कंडीशन डेवलप हो जाती है, मीनोपॉज हो जाता है, उसकी वजह से जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसका लेवल कम हो जाता है, और लेवल कम होने की वजह से जो हमारे शरीर में जो कैल्शियम है उसका अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, जिससे महिलाओं में कैल्शियम की कमी देखने मिलती है। और जब महिलाओं में कैल्शियम की कमी देखने मिलती है तो उनमें जो हड्डियां होती हैं उनमें यानी कमजोरी आती है, डिफिशियंसी आती है, तो उनमें छोटे 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 पोर्स बनने लगते हैं और जो हमारी हड्डियां होती है वो कमजोर टाइप की हो जाती है। तो जो महिलाएं चलती फिरती हैं तो उनमें घर्षण लगता है और वो एक दूसरे में घिसने लगती हैं और टूटने लगती हैं, जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से जानते हैं। यदि साइन एंड सिम्टम की बात करें तो उनमें बोन में दर्द देखने मिलेगा, स्वेलिंग देखने मिलेगी, और साथ ही साथ चलने फिरने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। यदि थोड़ा से भी अगर इंजरी हो गई ना, छोटी भी इंजरी होगी तो वहां उनको फ्रैक्चर भी देखने मिल सकता है। महिलाएं जब सीढ़ियां चढ़ेंगी या फिजिकल वर्क करेंगी या फिर वो थोड़ा दूर चल लेंगी तो उनकी हड्डियों में कटकट की आवाज भी आ सकती है और साथ ही साथ उनको दर्द महसूस होगा। तो ऐसी कंडीशन में आप होम्योपैथिक मेडिसिन सिम्फाइटम क्यू का यूज कर सकते हैं। सिम्फाइटम क्यू मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है इन केस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन में। ये जो मेडिसिन है ये जो हमारी बोन में जो मज्जा होते है उसको बनाने का वर्क करती है, साथ ही साथ ये बोन को स्ट्रांग बनाती है। इसे आप 1 कप गुनगुने पानी में सुबह दोपहर और शाम को 20-20 ड्रॉप कम से कम 5 से 6 महीने यूज करें। जो दूसरी मेडिसिन है वो है होम्योकॉल। होम्योकॉल मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है इन केस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन में। ये जो मेडिसिन है ये कैल्शियम की कमी को पूरा करती है। इसके अंदर मिली हुई है कैल्केरिया कार्ब, कैल्केरिया फॉस, कैल्केरिया फ्लोर एंड सिलेशिया मेडिसिन। ये चारों ही मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है इन केस ऑफ बॉडी में ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन के लिए, बॉडी में पेन की कंडीशन के लिए काफी इफेक्टिव मेडिसिन है। यदि इस टैबलेट को लेने की बात करें तो इस टैबलेट को आप 2-2 टैबलेट सुबह दोपहर और शाम को कम से कम इसे भी आप 5 से 6 महीने यूज जरूर। आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू।